ऐसा देंगे कि जेल में रह जाएंगे वो यार, बीजेपी को इतना वोट देंगे यार हम, यार आके बता। अरुण केजरीवाल अपने कर्मों से जेल में, जो यहाँ दिल्ली में दारू के दरिया आया था उसी में बहते बहते सेंट्रल जेल पहुंच गया। उनके पार्टी अध्यक्ष कहते हैं अगर बीजेपी आ गया तो सनातन और आरएसएस बहुत मजबूत हो जाएगा। मैं वो कहते हैं ना परेशानी हो रही है, परेशानी हो रही है। तो बाबा वाली जेल में भेजो ना, यूपी में डासना वाले कांग्रेस को बोलते थे, आज उन्हीं का गठबंधन में क्यों बैठा हुआ है बताओ। अगर ईमानदार है तो अपने दम पे लड़ता ना। बाप भी अपने बेटे के लिए इतना नहीं करता जितना नरेंद्र मोदी देश के लिए करता है। कहाँ के रहने वाले हैं? एक दिल्ली करावल नगर का रहने। 25 तारीख को वोटिंग है आपका, है ना? क्या लग रहा है, अपने बदलाव देखा या बदलाव चाहते हैं? नहीं, यही मौजूदा जो सरकार है उसे ही लाएंगे दोबारा। मतलब बदलाव देखा है, बदलाव नहीं चाहते हैं? नहीं। क्या बदलाव देखा आपने पिछले 5 से 10 सालों में? 5 से 10 सालों में ये देखो ना, देश में कितना रोड, गरीबों के लिए घर, सिलेंडर, नल, राशन, घर, और क्या चाहिए जनता को? रोजगार के लिए अगर जिसमें काबिलियत होगी, सक्षम होगा, और जो बिल्कुल ही नहीं ठल्ला होगा उसके लिए तो तुम पर्ची परसाई थाली परोस दोगे, वो भी बेकार है। जैसे राहुल गांधी मतलब जो करना नहीं चाहता उसके लिए बेरोजगारी है, और जो काम करना चाहता है उसके लिए रोजगार है। रोजगार है, कोई काम की कमी नहीं है आगे वक्त। अब राहुल गांधी है पर राजकुमार की तरफ पले, अभी अपनी अपना ही बिजनेस खत्म करते जा रहे हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी है ना, ये एक तरीके का बिजनेस ही बना लिया उन्होंने। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ बंटा धार। चुनाव हार जा रहे हैं, बरेली से भी हारेंगे, बरेली से हारते हुए दिल्ली आएंगे। हारते सीधे दिल्ली आएंगे, दिल्ली से सीधे इटली पहुंच जाएंगे, वहीं रहेंगे आराम से अपने नानी। रायबरेली से दिल्ली आएंगे, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ेंगे, यहाँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है ना, ये उनकी दादी का ना, वहीं से फ्लाइट पकड़ेंगे और सीधे अपनी इटली पहुंचेंगे आराम से, वहीं रुकेंगे, वहीं खाना बना। पुरानी पार्टी आप ऐसा बोल रहे हो? अरे पुरानी का यार बिल्कुल बेकार हो चुकी है। क्या बुरा कर दिया है? बुरा क्या कर दिया? बुरा नहीं करा। अगर बुरा नहीं करा होता तो अभी जल्दी में राधिका खेड़ा अभी रिजाइन दिया है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि 3 आदमियों ना अंदर से कुंडी बंद करके मेरे संग बदसलूकी कर रहे थे। जयराम जो इनकी पार्टी के ही है, उनको फोन लगाते रहे, उन्होंने कह दिया कि जो तुम अपना मूवमेंट करो। क्यों पार्टी से इस्तीफा दिया उन्होंने? अपने ट्विटर पर राम मंदिर का जो घूमने गए उन्होंने ये दिखा दिया। उन्होंने कहा ये हमारी पार्टी की लाइन नहीं है। कैसी बात करते हो, हिंदुस्तान में रहते हो? उनके पार्टी अध्यक्ष कहते हैं अगर बीजेपी आ गया तो सनातन और आरएसएस बहुत मजबूत हो जाएगा। अरे क्या कहना चाहते हो तुम? इसका मतलब कि तुम सनातन को खत्म करना चाह रहे हो? कहा था नहीं कहा था? अरे हजारों 5,000 साल पुराना हमारा सनातन धर्म है, उसको तुम खत्म करना चाह रहे हो? अगर हमारे 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 दिल में राम है तो हम तो जिसने हमारे राम के लिए सपोर्ट करा, हम उसका सपोर्ट करेंगे। राम का सपोर्ट करने वाली बीजेपी है। किसी टाइम में अटल जी की सरकार राम मंदिर के खातिर ही तो गिराई गई थी। वही था मुद्दा, वही था। और क्या कहते ताना साहब मोदी क्यों ताना साहब? डिक्टेटरशिप आ गया मोदी जी पर आरोप लग रहा है, ऐसा एक ध्रुव राठी देश के कई नेता भी बोलते हैं बात कि मोदी जी किसी को उठा के डाल देते हैं जेल में। किसको कोई नहीं डालता? राहुल गांधी जेल में, सोनिया गांधी जेल में, अरुण केजरीवाल अपने कर्मों से जेल में, जो यहाँ दिल्ली में दारू के दरिया आया था उसी में बहते बहते सेंट्रल जेल पहुंच गया। अगर वहां पे भी उनका मन नहीं भर रहा तो बाबा के जेल में भेज दो डासना वाले में, वहां सब सही हो जाएगा। वो तिहाड़ उन्हीं का जेल है, उन्हीं की सरकार के अंदर आती है वो जेल। वो तो मैं कह रहा हूँ अरे तिहाड़ में वो कहते हैं ना परेशानी हो रही है। तो बाबा वाली जेल में भेजो ना, यूपी में डासना वाले में बिल्कुल बढ़िया इलाज हो जाएगा। एक नंबर का झूठा आदमी, एक नंबर का झूठा। हाँ इतना झूठा जैसे जितना झूठा कि जैसे फेयर लवली वाले झूठ बोलते हैं ना कि एक बार एक हफ्ता लगा आदमी गोरे से काले से गोरा हो जाएगा। हाँ। ऐसे ये कहता है कि मैं बिल्कुल ईमानदार कहेगा? ईमानदार बताओ क्या ईमानदारी वाले काम कर रहे हैं? बिल्कुल बोलता है यार, लेकिन कट्टर ईमानदार बता दे अपने आप को। दिल्ली का बेटा बोलते हैं हम करेंगे दिल्ली के वालों का भला। जिसका विरोध करके सत्ता मिला उसकी गोद में क्यों बैठ गया? सबसे बड़ा ये बेईमान पार्टी इसको कांग्रेस को बोलते थे, आज उन्हीं का गठबंधन में क्यों बैठा हुआ है बताओ। अगर ईमानदार है तो अपने दम पे लड़ता ना। हम मानते हैं हाँ तो ईमानदार है, हमारा तो मन था इस बार वोट देने का, पर हमारा तो मन ही खत्म हो गया। पहले हम तो पक्के बीजेपी वाले हैं, पर आगे का बता रहा हूँ
मैं इस बार मैं आम आदमी पार्टी को वोट देता हूँ, ये मान झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल मैं देता ही नहीं है। इन्होंने इसने जो ये काम करे ना दादू, एक कितने लोग बर्बाद हुए हैं यार बताओ यार। घर तो काफी टूटे हुए, किसी के पास 5,000 है, उसने 5,000 की दारू खरीद ली, बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसे दारू से मतलब है, घर में जेब में फोन है निकल गया, नशे में जेब में पैसे वो निकल गए, फूटा पड़ा है, मर गया यार, इसका मतलब क्या, तू ना क्या करना चाहे यार। लेकिन वो जेल में जाने के बाद एक कैंपेन चल रहा है उनका, जेल का जवाब वोट से, उनके कई नेता घूम घूम कर बता रहे हैं कि ये मोदी जी ने जेल में डलवाया है, वोट दो बीजेपी केजरीवाल को, वोट ऐसा देंगे कि जेल में रह जाएंगे वो यार, बीजेपी को इतना वोट देंगे यार हम, यार आके बता ना उनका, हमें समझ सही गया, हम बीजेपी को इतना वोट देंगे कि प्रधानमंत्री फिर रहेंगे और केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। तुम्हारे 400 पार का नारा लग रहा है, बिल्कुल 410-411 देंगे हम शगुन के तौर पर, 411 सीट देंगे। और क्या क्या बोल रहा है बताओ, बोलते थे कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा करते हैं, कौन करता है, मोदी जी, देश देश हिंदुस्तान पाकिस्तान के टुकड़े किसने करे थे, किसकी सरकार में, सच बताओ कांग्रेस, हाँ तो फिर कहते कि ये बीजेपी करती है, कौन करता है फिर, कांग्रेस करती है, करती देश के दो टुकड़े किए, करी नहीं करी बताओ, हुए नहीं हुए, हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम के आधार पर ही तो हुए थे देश के टुकड़े, बीजेपी क्या करती है, अगर मकान मिला तो मुस्लिम को नहीं मिला, हिंदू को मिला, सिलेंडर मिला उनको नहीं मिला, या हिंदू मुस्लिम किसी को बराबर मिला, कहिए के अरे भाई ये मुसलमान इसको नहीं देंगे, हिंदू हिंदू को देना दो, ऐसा तो नहीं करती। लेकिन राहुल गांधी बोलते ना कि जुमला है उनका बीजेपी का 400 पार नहीं होने वाला, जुमला यार खुद अपने आप में ही जुमला है राहुल गांधी यार, कैसी बात करते, देश में डिक्टेटरशिप आ गया, खाना साहब बन गए मोदी जी, बड़ी हंसी लगती है सर, ऐसी ऐसे अशब्द भाषा जब हमारे प्रधानमंत्री के लिए बोले जाते हैं, बड़ी हंसी लगती है ऐसे लोगों पे। तानाशाही तो जब थी इनकी सरकार तब इन लोगों ने तानाशाही के अलावा करा क्या सर, नेहरू के जब सुनो सबसे बढ़िया सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा एक धोखा सर, राहुल गांधी नाम गलत है, विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं सर, नाम ही गलत बोला जाता है, क्या नाम है फिर? राहुल खान, जिनके दादाजी खान होंगे पोता खान ही होगा, सबसे बड़ा इस भ्रम से हमें मिटाया गया राजनीति यहाँ पे की गई सर। देखो जो मोदी जी ने काम किया ना सर, वो गांव के स्थल में जाके देखो आप, वहाँ दिखता है, जहाँ पे माँ बहनें लोटा लेके बाथरूम करने जाती थी, घर घर को शौचालय दे दिए, आज मकान दे दिए, और लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं उनको साइकिलें दे दी है, अगर गाँव में तुम्हें गाय भी पाल लो ठीक है, अगर खुदन खास्ता वो भी मर जाती है तब भी सरकार पैसा दे रही है, और दिल्ली में दिल्ली जैसे एरिया में आपको ये दिखाऊं, आपको ये देखो कैमरा में देखो, फोकस करना, क्या दिखा क्या रहा? मैं दिखा रहा हूँ रुको, सर ये देखो सरकार इससे ज्यादा क्या करेगी सर, गरीबों के लिए इससे ज्यादा क्या करेगी आप बताओ, ये हर जगह खोला है सर, आप कहीं भी चले जाओ 10 रुपए आपको 4 रोटी चावल 2 सब्जी भरपेट खाना मिल रहा है सर, इससे ज्यादा सरकार क्या करेगी, एक बाप भी अपने बेटे के लिए इतना नहीं करता जितना नरेंद्र मोदी देश के लिए करता है।